हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें इतनी ताकत है कि ये देश की अर्थव्यवस्था से लेकर पॉलिटिक्स पर असरअंदाज हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ये टॉपिक क्या है आप थंबनेल देखकर तो समझ ही चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पॉर्न वेबसाइट पॉर्न हब ने। रिपोर्ट कहती है कि हर दिन एवरेज में 92 मिलियन, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट 9 करोड़ 20 लाख लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, सिर्फ इस एक वेबसाइट को। ऐसी लाखों और करोड़ों वेबसाइट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। दोस्तों ये तो कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा बड़ी फिगर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टॉप व्यूअरशिप जो है वो अमेरिका से आती है, इसके बाद इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है। अगर पूरे इंटरनेट की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा पॉर्न कंजम्पशन पाकिस्तान और चाइना में होता है। आज की वीडियो में दोस्तों न सिर्फ हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे बल्कि इंटरनेट, ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी की स्टडीज से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये आने वाला AI जैसी टेक्नोलॉजीज और इनके आ जाने के बाद ये किस तरह का इफेक्ट हम पर और हमारी सोसाइटी पर डालता है। कौन सिर्फ अब एक एडिक्शन या मॉरल ईविल नहीं है बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। ह्यूमन सेक्सुअलिटी, मैरिज, रिलेशनशिप पर इसका क्या असर होगा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आगे आने वाली दुनिया इररेजिस्टिबल सेक्स रोबोट्स, आइडियल मशीन कंपेनियंस की दुनिया होगी, और ये दुनिया में हम इंसान कैसे रहेंगे ये वीडियो उसी पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जोहानस गुटेनबर्ग का नाम प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से रिलेटेड है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहली जब प्रिंटिंग प्रेस में चीज जो प्रिंट हुई वो थी एक पॉर्न मैगजीन। 1948 में पब्लिक लाइफ और आइडियोलॉजी में इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 1948 में अल्फ्रेड किन्जी की एक किताब आई जिसमें उन्होंने एडवोकेट किया कि हर तरह का सेक्सुअल बिहेवियर नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, लोगों को अपनी हर एक सेक्सुअल अर्ज को थरोली और पूरे तरीके से सेटिस्फाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो सेक्सुअल अर्ज किसी भी प्रकार की हो। बिजनेस को इसमें फ़ायदा दिखा और उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग मशीन की शुरुआत कर दी और यहीं से जन्म हुआ द इंडस्ट्री ऑफ पॉर्न मैगजीन्स का। ये पब्लिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। आइए अब स्टेज टू की तरफ, यानी कि प्रिंट से वीडियो की तरफ। 10 जनवरी 1949 को न्यूयॉर्क की द ब्रॉन्क्स सिटी में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था लिंडा बोर्मन। यह आगे चल के लिंडा लवलेस के नाम से भी मशहूर हुई। उसके हस्बैंड ने वायलेंस और फोर्स के जरिए उसको फोर्स किया कि वो एक पॉर्न मूवी में काम करे। जब मूवी बनी और पब्लिश हुई तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मूवी ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसने $600 मिलियन की कमाई की, यानी आज के 6,000 करोड़ रुपए। दोस्तों दंगल, जवान, एनिमल, ये सारी मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आप एक साथ जोड़ लीजिए तब भी इस मूवी को पीछे नहीं कर सकेंगे। ये थी पॉर्न इंडस्ट्री में कमाए जाने वाले पैसे की ताकत। फिर आता है स्टेज थ्री और आई एक नई टेक्नोलॉजी। 1993 में इंटरनेट दुनिया भर के लिए आम कर दिया गया और इंटरनेट के आने के बाद दुनिया में पॉर्नोग्राफी की मानो एक सुनामी आ गई। सच बोलें तो दोस्तों इंटरनेट का डेवलपमेंट ही पॉर्नोग्राफी की वजह से हुआ है, ये ना रहे तो इंटरनेट ही खत्म हो जाए। फेमस फ्यूचरिस्ट रे कुर्ज़विल की अगर माने तो वो कहते हैं कि एवरी न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट्स ए सेक्सुअल थीम। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि पहली फिल्म जो थॉमस एडिसन ने बनाई, हाँ वही थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब की इन्वेंशन की थी, उन्होंने अपने काइनेटोग्राफ कैमरा से एक 32 सेकेंड की क्लिप बनाई थी जिसका टाइटल था द किस। कंटेंट क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट की इतनी जबरदस्त सफलता की वजह क्या है आप जानते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि गूगल, यूट्यूब और दूसरे अपने प्लेटफॉर्म्स आपको फोकट में जो यूज करने को देता है ये बिना पॉर्न साइट के एडवर्टाइजमेंट के क्या वो अफोर्ड कर सकता है?
ये जो ई कॉमर्स में आप ट्रांजैक्शंस करते हैं और ये जो पेमेंट्स इतने चकाचक हैं और पेमेंट का सिस्टम इतना चकाचक बनाया गया है, क्या ये ऐसे ही है? लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग क्यों इन्वेंट हुई इंटरनेट पर? ज़बरदस्त हिस्ट्री है। आपको इतनी ज़बरदस्त स्पीड और बैंडविड्थ वाला इंटरनेट कौड़ियों के दामों में दिया जाता है। जवाब जानने के लिए आपको कोई आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिसर्च्ड है और वेल डॉक्यूमेंटेड है। और इसके बाद भी दोस्तों, हमारे मासूम से इंडियन पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारा बच्चा इंटरनेट पर एजुकेशन लेने के लिए जाता है। मेरी बात अगर ना भी माने तो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए, जो कहती है कि 10 में से 9 पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारा बच्चा तो एजुकेशन लेता है। इंडिया की बात करें और पॉर्न कंजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो न सिर्फ पॉर्न वेबसाइट्स बल्कि सोशल मीडिया और उसका मिसयूज भी एक बहुत ही ख़तरनाक एंगल की तरफ जा रहे हैं। जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और सोशल मीडिया पर पड़ा इरोटिक कंटेंट ही लोगों की पूरी ब्रेन बायोलॉजी को बदल रहा है। हर साल कई बच्चे इसका शिकार होते हैं। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में COVID-19 पैंडेमिक की वजह से साल 2020 और साल 2021 में लगे लॉकडाउन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन 90-95% तक बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट ने बताया कि चाइल्ड पॉर्न इस वर्ड को दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। NCERB की 2021 की रिपोर्ट अगर देखें दोस्तों, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 338 मामले 2021 में सामने आए थे, यही आगे चलकर 971 हो गए हैं। ये तो थी उसकी कुछ हिस्ट्री का पार्ट दोस्तों, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ इसका फ्यूचर क्या होगा ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और आज इस फ्यूचर एवोल्यूशन के बारे में और इसके साथ साथ होता हमारा बिहेवियरल चेंज, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। कई किताबें और रिसर्च इस पर की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है पिग्मेनियनिज्म। जानते हैं ये टर्म कहाँ से आया? ये टर्म का मतलब है कि साइकोसेक्सुअल एबनॉर्मिलिटी, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये टर्म मेडिकल साइंस में लिटरेचर की दुनिया से लिया गया है। पिग्मेलियन एक स्कल्प्टर था, एक मूर्तिकार जो अपनी बनाई हुई मूर्ति से प्रेम करने लगता है। इस तरह की कहानियाँ आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखी होंगी, लेकिन वो बाद में ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके लिए सेक्सुअल फैंटेसी बना लेता है। इसी टर्म से बना पिग्मेलियनिज्म, यानी कि इरोटिक फैंटेसीज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड। जापान में इसी तरह का एक ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन है सेक्स डॉल्स को लेकर, गुड़िया को लेकर जिससे आप सेक्स कर सकते हैं। जापानी सोसाइटी में इससे रिलेशनशिप को सिर्फ आप इस बात से समझ लें कि जब ये डॉल पुरानी हो जाती है, ये टूट जाती है और फेंक दी जाती है, तो इसका बाजाबता से अंतिम संस्कार किया जाता है। इतना इमोशनल अटैचमेंट इससे है, मानो वो आपकी बीवी है। इस तरह के परवर्जन और सोसाइटी में होते बिहेवियरल चेंजेस काफ़ी अलार्मिंग है। इंटरनेट आपको अकेला कर देता है। अब आपके पास पॉर्न के अलावा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, उससे तैयार किए गए नए नए खिलौने और टॉयज, और ये दुनिया का आज एक बहुत ही बड़ा बूमिंग बिजनेस है। कैथलीन रिचर्डसन अपने पेपर को टाइटल करती है कैंपेनिंग अगेंस्ट सेक्स रोबोट्स। ये लिखती है कि ये एक डेंजरस एग्जिस्टेंस की तरफ पूरे इंसानों को लेकर जा रहा है। ह्यूमंस विल लूज द एबिलिटी इन रिलेशनशिप्स विथ अदर ह्यूमंस, और ये एक बहुत ही खतरनाक और डिस्टर्बिंग फिनोमेना है। ये एनालिसिस को उन्होंने लिखा जो वो एनालाइज कर रही थी डेविड लेवी की एक पायनियरिंग रिसर्च लव एंड सेक्स विथ रोबोट्स। ह्यूमंस की हिस्ट्री में दोस्तों ये पहली बार होगा कि इतनी लार्ज स्केल पर किसी भी एज ग्रुप के लिए पोर्नोग्राफी एक्सेसिबल है। इसकी इंटेंसिटी आज कुछ और ही लेवल पर है। ह्यूमन बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के न्यू इन्वेंशंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी की स्टडीज, पोर्नोग्राफी का पूरा काला सच, ये सब हमारे सामने बहुत ही क्लियर है। दुनिया की हम सबसे एजुकेटेड जनरेशन है, सबसे एक्सेसिबल जनरेशन। पॉर्न एक नशे की तरह है, ये आपके ब्रेन और साइकोलॉजी को रीवायर कर देता है, ह्यूमंस को ऑब्जेक्टिफाई कर देता है,
सेक्स स्लेवरी को एक रियलिटी बना देता है और पूरी सोसाइटी को ही रीशेप कर देता है। पॉर्नोग्राफी हमारे अंदर वॉयलेंस अब्यूजिव बिहेवियर को पैदा करता है, एक ऐसा झूठ जो हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को बर्बाद करके रख देता है। मजे की बात यह है दोस्तों कि हम दुनिया की हिस्ट्री में वो जनरेशन है जो पॉर्नोग्राफी की इस इंटेंसिटी और स्केल से जिसको फेस कर रहे हैं, और हम ही वो जनरेशन है जिसके पास पूरी साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है कि पॉर्नोग्राफी कितनी डेंजरस है। अब बात ये देखने की होगी कि हम इसको कितना सीरियसली लेते हैं। दोस्तों, हो क्या आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इफ सो डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, लाइक करिए कंटेंट को, यह हमको कंटेंट बनाने में मदद करता है। थैंक यू वेरी मच।